दोस्तों नमस्कार। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि प्रॉफिट मार्ट मोबाइल एप्लीकेशन में कैसे स्टॉक को बाय किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है, कैसे आप अपनी पोजीशन डिलीवरी पे होल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के एप्लीकेशन पे जाना है। इसके बाद आपको वॉच लिस्ट पे जाना है। जिस भी स्टॉक को आपको बाई करना है तो आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो उसको राइट स्वाइप करेंगे तो बाई सेल का ऑप्शन दिख जाएगा, या तो फिर डायरेक्टली आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बाय सेल का विंडो देखने को मिल जाएगा। इस पे आपको कई तरह के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे डेप्थ दिख जाएगा, बायर सेलर की संख्या, फ्यूचर प्राइस दिख जाएगी, ऑप्शन चैन देखने को मिल जाएगा आपको, टेक्निकल देखने को मिल जाएगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी, फंडामेंटल, कॉल पुट रेशियो, डिलीवरी स्टेटस। तो काफ़ी एडवांस फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो इस ऐप को यूज़ करने के बाद आपको कोई थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जैसे मैंने इसमें बाई किया तो इसके अंदर भी दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक बाई का एक सेल का। तो जैसे आपको बाई करना है बाई में क्लिक करें और सेल करना है तो सेल पे क्लिक करें। तो फिलहाल यहाँ पे हम बाई करेंगे। क्वांटिटी में मैं एक क्वांटिटी रखूँगा, प्राइस इसकी चल रही है 12 रुपये 65 पैसे, 12 रुपये 60 पैसे डाल रहा हूँ। प्रोडक्ट टाइप में आपको यहाँ पे चार प्रोडक्ट टाइप दिखेंगे। CNC मतलब इसको आप डिलीवरी पे बाई करके रख सकते हैं। MIS होता है इंट्राडे के लिए। CO ऑर्डर होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर के साथ आप बाई कर रहे हैं। CO ऑर्डर में क्या होता है कि जो भी प्राइस लिया है उस प्राइस से 3% तक का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। और BO ऑर्डर एक्सचेंज की तरफ से अनेबल हो चुका है, मतलब इसको डिसेबल कर दिया गया है। अभी यहाँ पे बी ऑर्डर काम नहीं कर रहा है, बी ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे मुझे डिलीवरी पे बाई करना है तो सिंपल से मैं CNC में क्लिक करूँगा। उसके नीचे है ऑर्डर टाइप। तो ऑर्डर टाइप में आपको मिलेगा लिमिट, मार्केट, SL SLM। अगर आप लिमिट सेलेक्ट करते हैं, लेट सपोज़ इसकी प्राइस अभी चल रही है 12 रुपये 65 पैसे, ओके, और आप ये चाहते हैं कि जब इसका प्राइस 12 रुपये आए तब आपका स्टॉक बाई हो जाए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑर्डर टाइप लिमिट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। ओके, मैंने 12 यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है और रिव्यू बाई ऑर्डर करता हूँ मैं, तो जो मेरा ऑर्डर होगा वो पेंडिंग पे चला जाएगा। ये पेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिखेगा, ओके। मैं इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ, ओके। इसके बाद फिर से मैं वॉच लिस्ट पे जाऊँगा। SL ऑर्डर तब सेलेक्ट किया जाता है जब दी गई प्राइस से ऊपर के प्राइस से आपको बाई करना है। लेट सपोज मुझे बाई करना है 13 रुपये से और अभी प्राइस चल रहा है इसका 12 रुपये 65 पैसे से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो क्वांटिटी दिख रही है क्वांटिटी एक सेलेक्ट करूँगा, और जो प्राइस दिख रही है प्राइस में मैं 13 रुपये 5 पैसे डालूंगा, और जो ट्रिगर प्राइस दिख रही है उस पर मैं 13 रुपये सेलेक्ट करूंगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो प्राइस है वो सडनली जंप कर जाए फिर भी मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाए। करके दिखा रहा हूँ लाइव। तो अब इसके बाद हम रिव्यू बाई ऑर्डर करेंगे, सबमिट कर देंगे, ओके। हमारा ऑर्डर क्या है, हमारा ट्रिगर आप ऊपर वाला देखेंगे तो ऑर्डर हमारा पेंडिंग है। इसका मतलब ये है कि जब ये 13 रुपये जाएगा या फिर 13 रुपये 5 पैसे के आसपास जाएगा तो ये आपका स्टॉक जो है बाई हो जाएगा, सिंपल सा, ओके। तो इस तरह से आप अपना स्टॉक बाई कर सकते हैं। और अगर मार्केट सेलेक्ट करता हूँ मैं, इसको अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ओके, और मैं वॉच लिस्ट में गया, मैंने यहाँ पे बाई किया और मैं प्रोडक्ट टाइप मार्केट रखता हूँ, अभी मार्केट रखूँगा और रिव्यू बाई ऑर्डर कर दूँगा। तो जो मार्केट प्राइस रहेगा आप देख सकते हैं, ये मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब लेट सपोज मुझे इसको स्क्वायर ऑफ करना है, लेट सपोज मुझे अपनी पोजीशन निकालनी है, तो सिंपल सा क्या करूँगा मैं, सिंपल सा मुझे क्या करना है, MTM में जाना है। MTM वाले ऑप्शन में क्लिक करूँगा, जो स्टॉक दिख रहा है अभी उसमें आपको क्लिक करना है। स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन आएगा, स्क्वायर ऑफ में क्लिक करेंगे, क्वांटिटी एक रखेंगे,
और यहाँ पे प्राइस आपको जिस प्राइस से आपको निकालना है वो प्राइस डालेंगे आप। इसके बाद प्रोडक्ट टाइप में आपको सीएनसी ही रखना है क्योंकि आपने लेते टाइम प्रोडक्ट टाइप सीएनसी सेलेक्ट किया था। ऑर्डर टाइप में आप लिमिट रखेंगे, ओके लिमिट रखेंगे तो जो प्राइस आप डालेंगे उस प्राइस से आपका निकल जाएगा पोजीशन, और अगर मार्केट सेलेक्ट करेंगे तो करंट मार्केट से निकल जाएगा। ओके तो मैं यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट करता हूँ और रिव्यू बाय ऑर्डर कर देता हूँ। तो ये मेरी पोजीशन निकल चुकी है। डैशबोर्ड पे जाएंगे आप, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका दिख जाएगा। तो इस तरह से आप कैश की पोजीशन आप निकाल सकते हैं और बाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।